फाइनली जिस चीज का बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था वो इंतजार खत्म हुआ और अब आपको 5G enabled software मोबाइल अपडेट इस तरीके से मिलने वाले हैं और किस तरीके से ये मुझे रिसीव हुआ वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है दोस्तों कि आपको अपने मोबाइल में किस तरीके से ये 5G अपडेट कर पाएंगे, दूसरी चीज ये है कि किस तरीके से वर्केबल रहेगा, किन ऑपरेटर्स पे वर्केबल रहेगा, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि किस 5G नेटवर्क के लिए इस अपडेट को स्टेबलाइज किया गया है जो कि नॉर्मली ज्यादा का लोग चला पाए। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉर लेटेस्ट अपडेट जैसे ही हम कोई नई वीडियो लेकर आपके पास तुरंत पहुंचे, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करें, फाइनली हमें जो रिसीव हुआ है वो मोटोरोला मोबाइल फोन की तरफ से हुआ है और हम ऑलरेडी बहुत टाइम से मोटोरोला का मोबाइल चला रहे हैं, तो अब आके हमें 5G इनेबल अपडेट मिला है जिसमें कि अब हम 5G के नेटवर्क प्रेफरेंस पे भी जा सकते हैं। लेकिन इस अपडेट में एक्चुअली कहा क्या गया है और आपको किस तरीके की फैसिलिटी इस अपडेट में देखने के लिए मिलती है, जैसे कि स्टेटमेंट को ही रीड करते हैं आप सब कुछ समझ जाएंगे क्या क्या है, उसमें डिटेल में बताता भी रहूंगा। जैसे कि कहा गया है, मोटोरोला इंडिया वेलकम यू टू द ब्लेजिंग फास्ट वर्ल्ड ऑफ 5G एक्सपीरियंस ऑफ 5G सर्विस अक्रॉस। यहाँ पे दोनों नेटवर्क पे कहा गया है, जैसे कि 5G के दो नेटवर्क इंडिया में वर्केबल है, कि स्टैंड अलोंग डेट मीन्स ये कि ये सिर्फ 5G पे वर्क करेगा और नॉन स्टैंड अलोंग मतलब 4G एंड 5G दोनों पे वर्केबल रहेगा। और बात करें मोड्स पे वर्किंग है, इंश्योरिंग सीमलेस 5G कनेक्टिविटी ऑन रिलायंस जियो एयरटेल VI नेटवर्क, और मोटोरोला 5G ऑल्सो SAR सेटिस्फाई फॉर सेफ यूजर्स इन इंडिया। SAR क्या है? SAR है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट है जो कि डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्लियरेंस देता है कि हाँ ये नेटवर्क विथआउट रेडिएशन सेफफुल है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या इस पे रेडिएशन का भी खतरा रहेगा, अब ये डिटेल में आ चुका है तो अब हम पता लगा सकते हैं कि कितनी रेडिएशन ये छोड़ेगा और कितने टिश्यू को आपके डैमेज करेगा तब आप कान पे या अपने शरीर के आसपास मोबाइल फोन रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों ये जो हमें देखने के लिए मिलता है 118 MB का अपडेट देखने के लिए मिलता है, और इसे अपडेट करने के बाद फाइनली जिस चीज का बहुत दिनों से इंतजार था अब 5G रिफ्रेश देखने के लिए मिल जाता है नेटवर्क में। लेकिन एक बड़ी दुविधा कि अभी मेरी सिटी में 5G नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं, जिन सिटियों में अभी चल रहा है या जिन सिटियों में एयरटेल बहुत स्पीड से वर्क कर रहा है और अपने फोन मतलब क्योंकि नॉन स्टैंड अलोंग पे वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा है कि बस इक्विपमेंट लगाए और 5G देना शुरू कर दे, तो वही वर्किंग फास्ट है एज कंपैरिजन जियो के मुकाबले बात करें तो। और साथ में आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पे भी चेक कर दें तो कुछ आपको इस तरीके की खुशखबरी दिखाई देती है कि आपका मोबाइल 5G नेटवर्क मतलब हैंडसेट भी है, नेटवर्क एप्लीकेबल है, मतलब एक तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। लेकिन आपकी सिटी में 5G नहीं आया, लेकिन ये खुशी बहुत ज्यादा थी क्योंकि इसी का वेट कर रहे थे कि फाइनली कब आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो 5G नेटवर्क का वेट है बस उसी को थोड़ा सा और देखना है कि अब किस तरीके से वर्केबल रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है, क्योंकि अब 5G इनेबल आ गए हैं तो मतलब अब इसमें बैंड एक्सेस इंक्रीज हो गया है। क्या अब 4G की जो स्पीड थी जो दोस्तों मुझे पहले 85 MBPS की नॉर्मल 4G स्पीड मिलती थी जियो की मेरी सिटी में, तो क्या अब ये इंक्रीज होगी? उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।